जो कृषि कानून के पक्ष में उसे वो देशद्रोही है और उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो पूरा तो जितने भी सरकार में है, जितनी भी पार्टियां, वो सब देशद्रोही है, सबको पाकिस्तान जाना चाहिए जो जो उनके कृषि कानून के पक्ष में है। किसान बिल को लेकर लोग नए नए अंदाजे पटना के सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बगल में जो तस्वीर है, कड़ाके की ठंड है बावजूद किसान बिल को लेकर ये अपने कपड़े को उतारकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं एक पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पिताजी किसान है। वो ऐसे 365 दिन खेतों में नंग धड़ंग काम करते हैं। जो धान 10 रुपये बेचा जाता है, वो धान अभी 60 रुपये वापस लिए हमें लेना पड़ रहा है। तो अगर जो मोदी जी जो कहते हैं मैं काजू की रोटी खाता हूँ, मशरूम की सब्जी खाता हूँ, रोज एक एक एप्पल खाता हूँ, जो एप्पल किसान 10 रुपये बेचता है, अडानी उसको 644 रुपये बेचते वापस हमें देते हैं। अगर किसान अन्न नहीं उगाएंगे, पहले से ऑलरेडी सुसाइड कर रहा है, और अगर सुसाइड करेंगे मर जाएंगे, तो वो किस पे मोदी जी किस पे मतलब हक जमाएंगे, किस पे राज करेंगे। अभी जो हम लोग पटना विश्वविद्यालय से आ रहे हैं, हम पे पुलिस ने कुछ वकजा किया, बोला कि तुम किसान के बेटे हो, सबूत दो। अगर मैं किसान के बेटा नहीं रहता तो मैं भी सेम बट के आराम से टीवी देख रहा था, ये सब देख रहा था, फिल्म इसे समझ रहा होता। लेकिन मैं किसान के बेटा हूँ, मैं अपने पिताजी का दुख दर्द समझता हूँ, इसलिए मैं आज रोड पर बैठा हूँ। हमें क्या जरूरत है कि मैं ठंड में शॉर्ट खोल के बैठूँ। हमें जो मोदी जी जो कहते हैं कि जो देश विरोधी है वो पाकिस्तान जाए, खुद जाके बिरयानी खा लेते हैं। आज पूरे देश उनके खिलाफ है, तो वो जाके पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो आज देश विरोधी लग रहे हैं। कौन पाकिस्तान? मोदी जी। क्योंकि वो हमें कहते हैं जो देश के मतलब खिलाफ है वो पाकिस्तान जाए, जो प्रदर्शन कर रहा है। तो आज पूरा देश उनके खिलाफ है। किसान जो देश का बैकबोन है उसके खिलाफ आज है। वो कहते हैं कि मतलब मोदी जी ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना जो कोई बात को वो बोलते हैं कि हाँ सही है, GST हो, NRC हो, सब में कहावत है, लातों की कुछ बातों से नहीं मानते हैं। उन्हें जब तक मतलब खदेड़ा नहीं जाएगा वो छोड़ेंगे नहीं अपनी गद्दी। कड़ाके की ठंड में पटना के सड़कों पर इसलिए कि किसान के समर्थन में हम एक दिन अपना बदन पे कपड़ा हटाएं, लेकिन किसान 365 दिन अपने बदन का कपड़ा उतार कर और मेहनत करता है, पूरे भारत का पेट भरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बात को नहीं समझती, किसान को दर्द को नहीं समझती। जब किसान कहते हैं कि हमको इस कानून की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? नरेंद्र मोदी से अपील है कि इस कानून को वापस लीजिए और किसान को मजबूत करिए और भारत को मजबूत करिए। किसान के खिलाफ कानून बनाने की कोशिश नहीं कीजिए आप। अरे मुझे दर्द पता है, किसानों का दर्द क्या होता है। वस्त्री में मैं नहीं उतारा है कड़ाके की ठंड में, अगर खून भी बहाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस किसान के लिए खून भी बहा दूंगा। किसान परिवार से आते किसानों का दर्द जानते हैं। नरेंद्र मोदी की मंशा कभी भी देश के प्रति सही नहीं रहा, इसलिए नरेंद्र मोदी के इस कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था GST और नोटबंदी में भी कि देश के प्रति ये कानून है, देश को इससे फायदा होगा। सरकार ये कह रही है कि विपक्ष बरगलाने के काम कर रहे हैं। अरे कैसे विपक्ष बरगलाने के काम कर रहे हैं? विपक्ष अगर बरगलाने के काम करती तो किसान, नौजवान और छात्र इस कानून के खिलाफ रोड पर थोड़ी उतरता। अरे नरेंद्र मोदी चाहता नहीं है कि देश का किसान किसानी करके अपने आप को बढ़ोतरी करे, बढ़ाए, आगे बढ़ाए। वो चाहता है कि अंडानी और अंबानी में चला जाए, उसका कमीशन नरेंद्र मोदी की सरकार को मिले। तो बता देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, जो किसान विरोधी है वो देशद्रोही है। अगर इस कानून को वापस नहीं ले गया तो पूरे नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपाइयों को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुका के हम लोग रहेंगे, सरकार को झुका के हम लोग रहेंगे। और दिल्ली भी हम लोग कुछ करने वाले हैं, दिल्ली में जाकर संसद भवन में भी हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए काम करेंगे किसानों के समर्थन में, क्योंकि हम भी किसान के बेटा है, वही किसान के बेटा है जिसकी वजह से आज हम पटना में पढ़ाई कर रहे हैं। खेती नहीं होता तो आज हम पटना में नहीं पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन पटना के पुलिस हमें कहती है कि तुम किसान नहीं हो, तुम एक छात्र हो। हमारे बाप हमारे दादा किसान हैं, इसलिए हम किसानों के दर्द को समझते हैं, इसलिए हम प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। क्या नारा लगा रहे हैं आप? किसान मशरूम की खाते हैं, ये मशरूम खाने वाली सरकार को, फ्लाइट पे चलने वाली सरकार को किसान का दर्द नहीं समझ में आएगा। एक किसान ही इसके दर्द को समझ सकता है, उसका बेटा ही इसके दर्द को समझ सकता है, और ये बहरी गुंगी सरकार को नहीं समझ में आएगा। अगर ऐसा होता तो आज़ादी के बाद आज तक बहुत सारे बिल आए, उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? अगर किसान के हित में ये बिल होता तो इसका विरोध क्यों होता? ऐसा नहीं है, ये काला कानून है किसानों के लिए, जो है ये काला कानून है। उसको किसी भी तरीके से अदानी और अंबानी को बेचने की साजिश हो रही है। किसानों को अदानी और अंबानी के यहाँ गिरवी लगाया जा रहा है, उसके जमीन को और अनाज को अदानी और अंबानी के हाथों में बेचा जाएगा। इसलिए आज हम लोग सड़कों पे हैं, हम लोग किसान के बच्चा हैं, इसलिए उसके दर्द को हम लोग समझते हैं, इसलिए आज हम लोग रोड पे हैं।
सरकार ये कह रही है कि किसान ये जो बिल जो लागू किया गया है ये किसान के हित में है, क्या लगता है? बिल्कुल हित में नहीं है। अच्छा एक बात बताए, कोई भी किसान आज तक आप लोग रिपोर्टिंग करते देखे हैं जो बोल रहा है कि एक विरोध ये नहीं समर्थक है, किसान समर्थक बिल है? भैया जो जो किसान लेना ही नहीं चाहता इस बिल को, उसको आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? किसान पर जबरदस्ती मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप? अब बोल रहे हैं उस बिल में संशोधन कर दें। भैया आप संशोधन क्या कीजिएगा? मतलब जो फल सड़ गया है, आधा तीन भाग सड़ गया, उसको काट छाट के निकालेंगे सही भाग और खिलाएंगे? भाई उस फल को बर्बाद किया जाए, खत्म किया जाए। अभी हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि सर आप मशरूम खाते हैं, किसान ही नहीं रहेगा तो मशरूम आप कहाँ से खाइएगा? अभी देखिए हर जाति हर धर्म के लोग हर राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सिवाय जदयू बीजेपी के। उनको भी समझना चाहिए कि जब किसान इस पक्ष में नहीं है इस कानून को वापस लेना चाहिए। वो लोग भोपाल में क्या करते थे बीजेपी वाले, देशभक्तों को जो रियल में देशभक्त होते थे उनको देश विरोधी कह के पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अब आप बताइए कि किसान विरोधी जो बिल बना है वो किसान विरोधी है यानी देश विरोधी है? अरे अब देश विरोधी है तो उसको वो लोग देश विरोधी हुए कानून बनाने वाले, अब तो उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए ना। तो यही बात है। हम लोग देखिए नंगा प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि हम लोग किसान के, हमारे चाचा किसान, हमारे दादाजी किसान है, हम लोग दिखाना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम लोग इस तरह एक दो घंटा अगर नंगा रह गए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे चाचा दादा लोग इसी तरह साल भर खेती करते हैं। नए अंदाज में सड़क पे लेट के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हम अपने स्तर से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जवाब देना होगा, ये बिल वापस लेना होगा। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो आज हम सड़कों पे हैं, कल सांसद में होंगे, अगले दिन नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के पाकिस्तान भेज देंगे। लगता है सरकार झुकेगी इस तरीके का विरोध करने के बाद बावजूद भी? झुकना पड़ेगा, पूरे देश की जनता आज उसके खिलाफ है, झुकना तो पड़ेगा। आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है, आप जनता के गुलाम हैं। हमने आपको बैठाया अपने लिए, आपके आजादी के लिए नहीं, आपको मनमानी करने के लिए नहीं, आपको झुकना पड़ेगा। नहीं झुकिएगा हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। कई दिनों से जो है मीटिंग का दौर जारी है और ये कहा जा रहा है कि 9 तारीख को भी मीटिंग जारी है, जो वार्ता होगी क्या लगता है? फिर से बोलिएगा। वार्ता कई दिनों से जारी है, क्या लगता है कल भी वार्ता होने वाला है? देखिए प्रदर्शन तो काफी दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान लोग कर रहे हैं और हम लोग भी उनके समर्थन में थे, आज सड़कों पे हैं, कल संसद में होंगे। किसी भी हाल में किसान को न्याय दिला के रहेंगे, वो हमारे देश के अन्नदाता है, वो सड़कों पे है तो हम घर में चैन से कभी नहीं सो सकते, कभी नहीं। मशरूम की रोटी खाने वाली सरकार झुकेगी, सभी लोगों का कहना देखने वाली बात होगी कि सरकार झुकती है या नहीं झुकती है। कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से पूरे देश से बवाल हो रहा है, लगातार कई जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पटना में भी इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रों में किस तरह का जो आक्रोश है, आक्रोश साफ देखा जा सकता है।